यमुनानगर में छेड़छाड़ और पिटाई का एमएमएस बनाने को लेकर एक छात्र अपनी जान देने के लिए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लड़की की क्लास की एक अन्य लड़की के साथ कहासुनी हो गई और दोनों की आपस में विवाद भी हो गया, लेकिन इस विवाद को एक लड़के ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया और बाद में लड़का छात्रा के साथ छेड़छाड़ भी करने लग गया। जबकि आरोप तो यह है कि लड़का उससे छेड़छाड़ कर रहा था तो उसको वही लड़की मोबाइल में कैद कर रही थी। तभी छात्रा ने लड़की के हाथ से मोबाइल को छीनकर तोड़ दिया, जिससे खफा होकर लड़की ने उसकी जमकर पिटाई कर डाली और ये धमकी भी दी डाली कि उसका छेड़छाड़ का एमएमएस को वह नेट पर डाल देगा, जिसके चलते लड़की ने कदम उठाने की सोची। लेकिन गनीमत यह रही कि रेलवे स्टेशन पर चेकिंग कर रहे कमांडो दस्ता ने छात्र को ऐन मौके पर बचा लिया, जबकि छात्रा रेलगाड़ी के आगे कूदने का प्रयास में थी और उसकी सहेलियां उसे रोक रही थी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों को सूचित कर दिया है और मामले की जांच में जुट गई। बात कर रहे थे किसी लड़के से और कुछ लड़के आए, वो वहाँ पे खड़ी थी एक लड़की, वहाँ वो हमारी वीडियो बनाने लगी। अगर हमने उससे उसे मना किया तो वो कहने लगी हमारा मोबाइल है, हम जो मर्जी कर सकते हैं। फिर हमने उसका मोबाइल लिया और नीचे जमीन पे पटक दिया। फिर एक लड़का आया और उसने हमारे फ्रेंड को पिटाई की, हमारे फ्रेंड की काफी। और उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमारी फ्रेंड पूरी तरह घबरा गई थी, मैं थी और मेरे साथ कुछ दो तीन फ्रेंड और थे। फिर हमें और कुछ भी नजर नहीं आया। फिर आके हमने पुलिस अधिकारी से उस बात को बताया और उनकी मदद ली। हमारे को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी जी, ऐसे ऐसे एक लड़की इधर सुसाइड करने के लिए आई हुई है स्कूल से दौड़ के। तो हम दो नंबर पे गए और वहाँ देखा एक लड़की स्कूल ड्रेस में खड़ी थी, तो और वो रो रही थी। हमने उससे बात करी, पूछा, तो एक उसके साथ दूसरी लड़की थी, उसने बताया कि भाई स्कूल में बच्चों का आपस में झगड़ा हो गया और ये सुसाइड करने के लिए रेलवे स्टेशन आई है। उसको हम अपने यहाँ थाने अपने उसमें ले आए, अब उसके पेरेंट्स को फोन किया, उनके हैंडओवर करेंगे। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।